गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार किरण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आवाज़ अगर आ रही हो तो एक बार कमेंट कर देंगे। आई होप ऑडियो वीडियो क्लियर होनी चाहिए। आज खुशबू, धनंजय, गुड इवनिंग, प्रणाम। चलिए, आवाज़ वगैरह सही हो तो एक बार बता दीजिए। आई होप सारा चीज़ सही होना चाहिए। और एक बार सभी लोग जल्दी से शेयर करेंगे वीडियो को। चलिए, गुड है। आज हमारा ये इनपुट आउटपुट का क्लास थर्ड है ना। इससे पहले हम लोग दो क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हमारा ये क्लास नंबर थ्री है जिसमें हम लोग इनपुट आउटपुट के एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएंगे। स्वागत है एक बार फिर से सभी का। अभिषेक, गुड इवनिंग, गौरव पांडे, मनोज, रेणु, सभी को गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का एक से एक बार फिर से, है ना। शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, है ना, अच्छे से सेशन को। हाँ, उससे पहले एक विशेष जानकारी। जैसा कि आप सभी से प्रॉमिस किया गया था कि दुर्गा पूजा जैसे ही आएगा कंप्यूटर के कोर्स में आप लोगों को डिस्काउंट दे दी जाएगी, है ना। तो फी जो आपका 599 था, ठीक है, उसको कम करके आप लोगों के लिए मात्र 399 कर दिया गया है। ठीक है, ये दुर्गा पूजा तक आप लोगों के लिए रहेगा फी। ठीक है, तो आप लोग आराम से जब मन करे इस फी में आज से लेकर आप 5 अक्टूबर तक, ठीक है, आज की तारीख से लेकर 5 अक्टूबर तक जब भी आपको कोर्स परचेस करना हो 399 में एक साल की वैलिडिटी के साथ आप कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स परचेस कर सकते हैं। 1 ईयर की वैलिडिटी होगी, क्लास आपकी बाइलिंगुअल होती है, ठीक है, नोट्स आपको प्रिंटिंग फॉर्मेट में मिल जाएगा, यानी कि आप उसे प्रिंट आउट निकाल कर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आप अच्छे तरीके से उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो वो चीज़ भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कंप्लीट जेएसएससी सीजीएल के लिए कोर्स चाहिए, ठीक है, जेएसएससी सीजीएल स्पेशल चाहिए, तो आप किरण एकेडमी ऐप पर मात्र 999 में कंप्लीट जेएसएससी कोर्स कर सकते हैं सीजीएल की। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए एक छोटी सी जानकारी थी। तो जिन्हें भी ज्वाइन करना हो, ठीक है, खास करके ये फी इसलिए कम कर दिया गया है कि जिनका पहला कोर्स डिएक्टिव हो गया था, 6 महीने की वैलिडिटी थी उनमें, ठीक है, तो उन लोगों के लिए स्पेशली डिस्काउंट दिया गया है। तो इसका बाकी लोग भी अगर लाभ उठाना चाहते हैं तो आप आराम से इसमें अपने फायदे के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सेशन को शुरू करते हैं, बहुत होगी जानकारी की बात। लीजिए आज का पहला सवाल और क्वेश्चन नंबर है ये आपका 51। ठीक है, ये अगर सीरीज की बात करें तो आज आपका तीसरा दिन है, तो तीसरे दिन में ये क्वेश्चन नंबर है आपका 51, लेकिन आज का ये पहला सवाल होगा। ठीक है, तो एक बार जल्दी से सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे और शुरू करते हैं आज के सेशन को। बताइए पहले सवाल का क्या होगा जवाब, कमेंट करेंगे सभी लोग। चलिए ध्यान से देखते हैं सवाल क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो प्रिंटर हमारा आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, प्लॉटर हमारा आउटपुट है, कीबोर्ड हमारा क्या है, ये इनपुट डिवाइस है। इन सब के बारे में बहुत बार बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम हम लोग देंगे नहीं। ये लीजिए दूसरा सवाल आपके सामने में है। ठीक है, आज नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा होंगे। ठीक है, यानी कि इससे पहले जो हमने किया है उससे थोड़े से 2-4 क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी हम लोग करेंगे। ठीक है, बाद में जुड़ने वाले सभी को गुड इवनिंग। इस सवाल का जवाब देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू प्रिंट वेरी लार्ज ड्रॉइंग और कॉम्प्लेक्स लाइन आर्ट बाय मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ अ पेन और अ पेपर। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पेन के द्वारा मशीनी
गतिविधि से कागज पर बहुत बड़े या कॉम्प्लेक्स लाइन आर्ट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है, इंकजेट प्रिंटर, स्कैनर, लाइन प्रिंटर या प्लॉटर। क्या होगा आपका इसका जवाब, अच्छे से ध्यान से पढ़कर, ठीक है। क्वेश्चन लंबा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डर जाएं या कंफ्यूजन में फंस जाएं, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा आपके लिए साइड हो जाते हैं। बहुत ही शानदार जवाब आना स्टार्ट हो गया है। आपको कल की क्लास में ही मैंने बताया था कि प्लॉटर जो है ये प्रिंटर का बड़ा भाई है, ठीक है। यानी कि प्लॉटर को आप, अगर प्लॉटर ना लिखा हुआ रहे तो इसे प्रिंटर भी कहेंगे, क्योंकि ये प्रिंटर का ही एक प्रकार का रूप है, जिसमें आप बड़े बड़े फ्लैक्स वगैरह, ठीक है, फ्लैक्स हो गया, होर्डिंग जिसे आप कहते हैं, या पोस्टर कह सकते हैं, इन सभी को प्रिंट किया जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि प्लॉटर में जो प्रिंटिंग होती है उसमें प्रिंट करने का काम एक पेन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इसमें इंक पेन का यूज़ किया जाता है प्रिंट करने के लिए, यानी कि जो पेपर आपका होता है उसमें छपाई के लिए पेन की मदद से वहाँ पर ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। कलर जो भी फिल किया जाता है वो एक पेन की मदद से किया जाता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। बाकी आपके इंक जेट जो है वो एक प्रिंटर का, और प्रिंटर में भी किसका, ये नॉन इम्पैक्ट का भाग है, ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का भाग है आपका इंक जेट। लाइन प्रिंटर आपका इम्पैक्ट प्रिंटर का भाग है, ठीक है। और स्कैनर आपको पता है कि ये आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहां हमारे पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है, है ना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और बताएं इसका जवाब क्या होगा। विच आउटपुट डिवाइस ड्रॉस पिक्चर ऑन अ पेपर बेस्ड ऑन अ कमांड्स गिवन फ्रॉम अ कंप्यूटर यूजिंग अ पेन, ठीक है। कौन सा आउटपुट डिवाइस पेन का उपयोग करके कंप्यूटर से दिए गए कमांड के आधार पर पेपर पर चित्र बनाता है, स्कैनर, मॉनिटर, इंकजेट प्रिंटर या ड्रम प्लॉटर। अभी जस्ट ही जिक्र ही किए हैं कि आपको बताना है कि पेन का यूज कौन करता है, तो हिंट आपका उसी में छिपा हुआ है। चलिए, थोड़ा सा नेटवर्क चला गया था, है ना, हो सकता है कि वीडियो पॉज हुआ हो आपका, है ना। तो अब शुरू करते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अब सही है। थोड़ी देर के लिए आपका प्रॉब्लम हुआ, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच आउटपुट डिवाइस ड्रॉस, तो आपका सही जवाब यहां पर क्या होगा, तो आप इसका सही जवाब देने वाले हैं, आपको अभी जस्ट बताएं कि पेन का यूज करके जो प्रिंट करने का काम करता है वो होता है प्लॉटर का, ठीक है। प्लॉटर ही एक ऐसा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस, जो कि पेन का यूज करता है अपनी आउटपुट को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। इसमें अगर टाइप्स की बात करें तो आपको पता है कि ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बेड सबसे फेमस प्लॉटर हैं इसके टाइप्स में, ओके। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये बताएंगे इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए। प्लॉटर इज एन, ठीक है, नहीं लेंगे टाइम ज़्यादा इस क्वेश्चन में। ये क्या है आपका, एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। प्लॉटर क्या है हमारा, एक आउटपुट डिवाइस है। आरआरबी जेई 2015 में ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। चलिए सुंदर, गुड इवनिंग बाबू, आपके लिए ऑफर था शुरू के, आप दो मिनट देख लीजिएगा, फी के लिए जो प्रॉब्लम हो रही थी, है ना, डिस्काउंट दे दिया गया आप लोगों के लिए, खास करके वैसे स्टूडेंट जिनका कोर्स जो था पुराना वाला हिंदी मीडियम वाला वो एक्सपायर हो चुका था, तो वैसे लोगों के लिए अभी जो फ़ी है वो मात्र 399 कर दिया गया है, ठीक है। 5 अक्टूबर तक ये फ़ी आपका रहेगा इतना। तो अगर आप फिर से कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, 1 ईयर वैलिडिटी होगी इसकी, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। उससे बेहतर कंटेंट आपको दिए गए हैं, पुराने वाले से ज़्यादा कंटेंट दिए गए हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादा डीप में चला जा रहा है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, ठीक है। जॉयस्टिक हमारा क्या है, तो ये इनपुट डिवाइस है, आपको पता है किसका यूज क्यों करते हैं, तो गेम खेलने के लिए,
ठीक है। लाइट पेन क्या है आपका, ये देख लीजिए, तो ये क्या है आपका एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। ये इनपुट डिवाइस के साथ साथ आप इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कह सकते हैं, ठीक है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस भी कहते हैं। बीसीआर क्या है आपका, बार कोड रीडर, आप शॉप वगैरह में गए होंगे तो सामानों के डिटेल जानने के लिए यूज़ किया जाता है। प्लॉटर आपको पता है कि आपका आउटपुट डिवाइस है ना। चलिए इस सवाल का जवाब देंगे, क्या है स्पीच सिंथेसाइजर, सॉरी स्पीच सिंथेसाइजर इज अ पार्ट ऑफ, ठीक है, किस में आता है आपका स्पीच सिंथेसाइजर, ठीक है। एक वर्ड और आपको सुनने को मिलेगा, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन को आप स्पीच रीडर भी कहते हैं, ठीक है, इसे एक और नाम से जाना जाता है, ठीक है, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, VRS शॉर्ट में कहा जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, आप अभी के टाइम में गूगल में यूज़ करते हैं, बोलते होंगे शॉर्ट में हेलो गूगल, या फिर आप एलेक्सा से बात करते हैं, तो आप जो बोल रहे हैं वो VRS का यूज़ कर रहे हैं, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम का, जिसे आप स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम भी कहते हैं। ये आपके द्वारा जो बोला जाता है उसे VRS यानी शॉर्ट में आप SRS भी कह सकते हैं। आप सिनेमा हॉल मत समझिएगा SRS वाला, है ना, यहाँ पर आप SRS यानी कि स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम के नाम से जानते हैं, जो कि आप गूगल से या फिर आप एलेक्सा से बात करते हैं, वो हो गया आपका इनपुट डिवाइस, ठीक है। VRS आपका एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। लेकिन जब आपका एलेक्सा या गूगल के द्वारा जो पलट कर आपका जवाब दिया जाता है वो काम होता है स्पीच सिंथेसाइजर का, ठीक है, तो ये काम आपका एक प्रकार से आउटपुट के रूप में होता है, ठीक है। यानी कि एलेक्सा कहें या गूगल के द्वारा जो आपको रिप्लाई दिया जाता है वो सिंथेसाइजर के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो आपका स्पीच सिंथेसाइजर जो है वो एक प्रकार से आउटपुट यूनिट के रूप में देखा जाता है, ओके। चलिए यहाँ तक इन्हें को दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Which of the following is not a type of monitor? निम्नलिखित में से कौन सा एक मॉनिटर का प्रकार नहीं है, TFT, ठीक है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, LCD, CRT, इसमें से कौन सा आपका नहीं होगा। UPPCL 2018 में ये पेपर पूछा गया है, इसमें से बताना है कि कौन सा मॉनिटर का प्रकार नहीं होगा, बताइए इस सवाल का जवाब। आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि TFT इसे कहा जाता है थीन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है, जो कि आपका किसका, तो याद रखेंगे LCD जो था, ठीक है, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जिसे कहा जाता है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, इसे कहा जाता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है, इसी का अपडेटेड वर्जन था आपका TFT, ठीक है, क्या था, अपडेटेड वर्जन है ये आपका TFT, CRT ये आपका सबसे पुराना या सबसे पहले आपका जो आया था मॉनिटर ये था CRT, जिसे कहा जाता है कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। एक और फेमस अभी के टाइम में आपको मॉनिटर जो देखने को मिलता है वो है आपका LED, इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करेंगे LED का फुल फॉर्म। एक और मिलेगा आपको OLED, जिसे ऑर्गेनिक LED के नाम से जाना जाता है। एक और मॉनिटर का प्रकार जो कि वर्तमान समय में बंद हो गया है, जिसे प्लाज्मा TV के नाम से या प्लाज्मा मॉनिटर के नाम से जाना जाता था, तो इसमें से आपका जो HDMI शॉर्ट में जिसे कहा जाता है, ठीक है, HDMI जिसे पूरा नाम कहा जाता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, एक प्रकार का ये वायर होता है, ठीक है, जो कि वीडियो कनेक्शन के लिए आप मॉनिटर में यूज़ करते हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे। इसके अलावा आपको एक और वायर देखने को मिलता है DVI, और एक और मिलता है आपको VGA, ठीक है, VGA और DVI, ये दो तीन प्रकार के आपके वायर हैं जो कि मॉनिटर में कनेक्ट किए जाते हैं वीडियो ऑडियो को ट्रांसफ़र करने के लिए, ओके। चलिए लिक्विड नहीं, अभिषेक, लाइट याद रखेंगे, लाइट एमिटिंग डायोड, हिंदी में इसे कहा जाता है प्रकाश का उत्सर्जन करने
वाला बल्ब, ठीक है, हिंदी नाम देख लीजिए कितना खतरनाक है इसका, एलईडी का, है ना, लाइट इमिटिंग डायोड, इसे हिंदी में कहा जाता है प्रकाश का उत्सर्जन करने वाला बल्ब। अच्छा चलिए कोई नहीं, तो ध्यान रखेंगे यहां पर हमारा HDMI क्या है, ये वायर होता है। अब यहां पर आपको हम दिखा नहीं पाएंगे, अदरवाइज अगर दिखा दें, हाँ यहां पर है आपका, है ना, ये देख लीजिए आप लोग, ये जो वायर दिख रहा है आपको, ये वाला देख लीजिए, है ना, ये आपका क्या है, HDMI वायर है, जो कि वीडियो ऑडियो कनेक्शन के लिए मॉनिटर में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अब वायर भी आपको दिखा दिए, दो तीन प्रकार के और वायर होते हैं, जिसमें एक आपका कौन सा हो गया, VGA, जिसे कहा जाता है फुल फॉर्म वीडियो ग्राफिक्स एरे, और DVI आपका वर्तमान समय में यूज नहीं होता है, इसलिए इसको जानना उतना आपके लिए जरूरी नहीं है। VGA का फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ओके लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अब थोड़े जोश के साथ पढ़ते हैं ना, लोगों की संख्या थोड़ी सी बढ़ गई है तो थोड़ा सा एनर्जी भी ले आते हैं। और क्वेश्चन बताइए, स्क्रीन और मॉनिटर डिवाइस इज, ठीक है, स्क्रीन और मॉनिटर क्या है, हार्ड कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी है, इनपुट डिवाइस है, या डिस्प्ले डिवाइस है, बताइए क्वेश्चन नंबर 58 का जवाब क्या होगा। ध्यान से देखेंगे और इस सवाल का जवाब आप देंगे ना। नहीं, USB नहीं है ये, USB पोर्ट अलग होता है, इसका यूज किया जाता है वीडियो और ऑडियो को सुनने और देखने के लिए, ठीक है, जब आप कनेक्ट करेंगे तब। चलिए तो आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि ये जो है आपकी स्क्रीन और मॉनिटर, इन्हें आप, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, VDU कहते हैं, वीडियो कहते हैं ना, यानी कि वीडियो डिस्प्ले यूनिट के नाम से जानते हैं आप, या वीडियो नहीं रहेगा तब आप इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। मॉनिटर को आप केवल और केवल स्क्रीन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, स्क्रीन भी कह सकते हैं, या केवल आप इसे डिस्प्ले के नाम से भी बुला सकते हैं प्यार से, ठीक है। तो आपका मॉनिटर कहें, स्क्रीन कहें, या डिस्प्ले कहें, या वीडियो कहें, जो भी आपको कहना है वो सारे के सारे चीजें आप इसको कह सकते हैं। ओके लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कंप्यूटर डिस्प्ले इज ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है, कंप्यूटर डिस्प्ले को और क्या कहा जाता है, इस सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे और इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, है ना। इस क्वेश्चन को अक्सर लोग गलत टिक कर कर आते हैं, और ये क्वेश्चंस आपका UPPCL JEE के एग्जाम लेटेस्ट एग्जाम में आपका 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2019 आपका लेटेस्ट इसलिए है क्योंकि 2020 और 21 में कोरोना के वजह से कोई ढंग का एग्जाम हुआ ही नहीं, है ना, इस वजह से 2019 आपका एक प्रकार से लेटेस्ट एग्जाम कहलाएगा। चलिए इस सवाल को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि कंप्यूटर डिस्प्ले को, अच्छा भाग रहा है यहाँ से, नहीं भागने देना इसको ना, बताइए कि कंप्यूटर डिस्प्ले को और किस नाम से आप जानते हैं, मल्टीमीडिया मॉनिटर टर्मिनल कहते हैं, कैथोड रे ट्यूब कहते हैं, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल कहेंगे, या वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट के नाम से आप इसे जानेंगे। देखते हैं इसका सही जवाब कितने लोगों का आता है। चलिए वीरा जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, और कोई सी आ रहा है आप लोगों का सवाल का जवाब, बिल्कुल। अब लास्ट में क्या लिखा हुआ है वो नहीं, आपको पता है कि डिस्प्ले को हम लोग क्या कहते हैं, तो VDU के नाम से जानते हैं, विजुअल डिस्प्ले कहते हैं, ठीक है, या वीडियो डिस्प्ले कहते हैं। देखिए कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पर मल्टीमीडिया मॉनिटर टर्मिनल, बिल्कुल नहीं, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर का एक प्रकार है, ठीक है, मॉनिटर का एक प्रकार है, ठीक है, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, दो शब्द आपको मिल गए। उसके बाद यहां पर है वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं, तो वीडियो को दिखाने का जो काम करता है उसी को हम जानते हैं वीडियो टर्मिनल या विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल के नाम से। बताएं इस सवाल का जवाब क्या होगा। चलिए 30 लोग जुड़ चुके हैं हमारे सेशन में, तो एक बार लाइक का बटन भी उतना कम से कम होना चाहिए, तो जो लोग कंजूसी किए हैं वो लोग जरूर से जरूर लाइक का बटन प्रेस करेंगे, ठीक है, ताकि इस सेशन को और जानदार बनाया जा सके। मॉनिटर वीडियो इज एन क्या है आपका, मॉनिटर जो है उसे आप क्या कहेंगे, मॉनिटर कह लें, स्क्रीन कह लें, डिस्प्ले कह लें, ठीक है, या फिर आप इसी को शॉर्ट में VDU कह लें, ठीक है। तो क्या होगा ये, तो आपको सभी को पता है कि ये हमारा एक प्रकार का क्या है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये आपके प्रोसेसिंग के बाद, CPU के द्वारा जो प्रोसेसिंग होता है
प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट आपका तैयार होता है, ठीक है, वो कहाँ पर दिखाई देता है, तो वो आपको मॉनिटर में देखने को मिलता है। तो मॉनिटर आपका क्या है, तो ये आपका प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, क्या है, प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है, जिसमें आप क्या देख सकते हैं, तो सॉफ्ट कॉपी देख सकते हैं, ठीक है, आउटपुट का जो भी सॉफ्ट कॉपी होगा आप कहाँ पर देखेंगे, तो आप याद रखेंगे आउटपुट डिवाइस में देखने का काम करते हैं। तो मॉनिटर आपका एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। अगर आउटपुट डिवाइसेस की बात करते हैं तो फेमस फेमस जो आपका आउटपुट डिवाइस है उसमें से आपका सबसे फेमस जो होगा वो होगा मॉनिटर। मॉनिटर के बाद दूसरा आपको देखने को मिलता है प्रिंटर, तीसरा आपको देखने को मिलेगा प्लॉटर, चौथा आपका है स्पीकर, और पांचवा आप याद रखेंगे प्रोजेक्टर, ठीक है, और आपका अभी स्पीच सिंथेसाइजर जो है आपका वो भी क्या है, आउटपुट डिवाइस के रूप में यूज होता है। तो इतने सारी चीजें को आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बताएंगे इस सवाल का जवाब। अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शन द पेरिफेरल डिवाइस, निम्न में से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस है ये आपको बताना है, ठीक है, इसमें से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस होगा, इस सवाल का जवाब आप बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए है सीपीयू, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी एएलयू, या ऑप्शन डी स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट को आप एक्सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, एक्सेल को ही स्प्रेडशीट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें से आपको बताना है, एएलयू का पूरा नाम होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, इसे कहते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है। प्रिंटर आप जान रहे हैं शब्द में, इसे कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें से बताइए कौन होगा पेरिफेरल डिवाइस। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है पेरिफेरल डिवाइस का तो कमेंट कीजिए कि पेरिफेरल क्या होता है ये बताएं, ठीक है, तो उसके बारे में बताया जाएगा, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे, ठीक है। तो यहां पर सही जवाब जो होगा, इसमें जो सही जवाब होगा आपका वो होगा प्रिंटर, ठीक है। प्रिंटर क्या है, इसमें ऑप्शन के हिसाब से पेरिफेरल डिवाइस है। कमेंट करें अगर पेरिफेरल डिवाइस के बारे में आपको पता ना हो तो इसके बारे में जिक्र करेंगे। चलिए सुंदर बोल रहे हैं नहीं पता है, अभिषेक बोल रहे हैं नहीं पता है, राखी गुड इवनिंग। चलिए तो ध्यान देंगे पेरिफेरल डिवाइस किसको कहेंगे। आप यूएसबी पोर्ट देखे हैं ना, यूएसबी जानते हैं, नहीं देखे हैं, रुकिए दिखाते हैं तब आपको। छोड़िए अभी निकालने का मतलब है कि थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पर, समझिए यूएसबी पोर्ट जो आप देखे हुए हैं, ठीक है, पोर्ट आप देखे हुए हैं, अब कितने लोग देखे हुए हैं ये कमेंट कीजिए। यूएसबी पोर्ट पता है क्या होता है, ठीक है, इसका पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। कितने लोगों को पता है यूएसबी क्या होता है, अगर पता है तो आगे बताते हैं। तो जितने भी आपके इनपुट और जितने भी आपके आउटपुट डिवाइस जो हैं, आपके जितने भी इनपुट और जितने भी आउटपुट डिवाइस है अभी के टाइम में और जो यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट होंगे उन सभी को पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है, ठीक है। जितने भी आपके इनपुट और आउटपुट जो यूएसबी पोर्ट में सपोर्ट करते हैं उन सभी को पेरिफेरल डिवाइस कहेंगे। अब किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत कि पेरिफेरल डिवाइस किसको कहेंगे। चलिए ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत। जितने भी आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइस हैं, जितना भी आपको पता है इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में जो कि यूएसबी पोर्ट में आप कनेक्ट करते हैं उन सभी को आप पेरिफेरल डिवाइस के नाम से जानते हैं। तो प्रिंटर आप क्या यूएसबी पोर्ट में ही कनेक्ट करते हैं, सीपीयू आपका इसमें ना इनपुट में आता है ना आउटपुट में आता है, एएलयू आपका सीपीयू का ही भाग है, और स्प्रेडशीट आपका एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन के हिसाब से बी नंबर जो है आपका वो क्या है, पेरिफेरल डिवाइस होगा। ओके लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, द डिफॉल्ट स्क्रीन ऑन द मॉनिटर व्हेन नो अदर एप्लीकेशन इज रनिंग इज कॉल्ड, ठीक है, यानी कि मॉनिटर जो होता है जिसे आप स्क्रीन कहते हैं, जब उसमें किसी प्रकार का सॉफ्टवेयर या किसी प्रकार का कोई भी काम नहीं हो रहा है उस समय उस स्क्रीन या उस मॉनिटर को किस नाम से जाना जाता है।
लॉग इन स्क्रीन, इंटरफेस, डेस्कटॉप या स्क्रीन सेवर। जैसे कि यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिखा, एक बार क्वेश्चन रीड कीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पर हम दिखाते हैं कैसे ये होगा। अच्छा, जवाब आना चालू हो गया, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप सी। चलिए यहाँ पर समझिए क्या है ये डेस्कटॉप, थोड़ा सा यहाँ पर मिनिमाइज कर रहे हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको, इसमें किसी प्रकार का कोई सॉफ्टवेयर हम नहीं शो किए हैं, ठीक है। सिंपल सा आपका स्क्रीन दिखाई दे रहा है, तो ये जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है, इस पूरे को जो हम लोग कहेंगे वो कहेंगे डेस्कटॉप, ठीक है। और इस डेस्कटॉप के पीछे में, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे, पीछे में जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, ठीक है, पीछे में जो इमेज दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं वॉलपेपर, ठीक है। और स्क्रीन में कुछ छोटे छोटे आपके जो फोटो बने हुए रहते हैं उस डेस्कटॉप में, उन्हें कहा जाता है आइकन, ठीक है। आइकन्स के नाम से आप उन्हें जानते हैं। तो याद रखिएगा, जब किसी भी विंडो में, किसी भी कंप्यूटर में आप किसी प्रकार का कोई सॉफ्टवेयर ओपन नहीं किए हुए हैं, तो उसे आप डेस्कटॉप के नाम से जानेंगे। डेस्कटॉप के पीछे में जो फोटो लगा हुआ रहता है, आप अपने मोबाइल में भी वॉलपेपर लगाते हैं, ठीक है, तो फोटो पीछे जो लगा हुआ रहता है उसे कहा जाता है वॉलपेपर। आगे में जो आपके आइकन्स दिखाई देते हैं, जो फोटो लगे हुए रहते हैं, इन्हें कहा जाता है आइकन्स, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे और अच्छे तरीके से समझ लेंगे, ठीक है, कहने को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जवाब यहां पर क्या होगा आपका, डेस्कटॉप। जब किसी प्रकार का कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है तो उसे कहा जाता है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के पीछे में जो फोटो लगा हुआ रहता है उसे कहा जाता है वॉलपेपर, ठीक है। और छोटे छोटे जो आइकन फोटो वगैरह बने हुए रहते हैं उन्हें कहा जाता है आइकन्स, ठीक है। आप आइकॉन भी पढ़ते हैं, इसे हिंदी में आइकन बोला जाता है, ठीक है। तो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये लीजिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, इसमें से कौन सा आपका एक आउटपुट डिवाइस है ये आपको बताना है, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन नंबर है आपका 63। बताएंगे इनमें से कौन सा आपका आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर आपका आउटपुट है या इनपुट है, प्रिंटर, माउस या वेबकैम, ठीक है। इसमें से आपको बताना है कि कौन होगा आपका इसमें आउटपुट डिवाइस, ठीक है। बहुत ही शानदार, उम्मीद नहीं था कि आज कम से कम 30 प्लस भी आप लोग करने वाले हैं। हम सोच रहे थे कि आज 10-15 लोग पढ़ने वाले, जुड़ने वाले हैं, इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन आप लोग जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, है ना। बताएं इस सवाल का जवाब क्या होगा। स्कैनर, आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम करेगा, यानी कि ये आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है आउटपुट डिवाइस कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी है प्रिंटर। तो प्रिंटर हमारा क्या है, तो ये हमारा आउटपुट डिवाइस। माउस क्या है हमारा, तो ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है। वेब कैम, ठीक है, दो चीजें देखने को मिलेगी आपको, एक सिंपल कैमरा मिलेगा, ठीक है, और एक मिलता है वेब कैम, ठीक है। तो वेब शब्द जहां आपको दिख जाए, यानी कि इस कैमरे का यूज आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट की मदद से यूज करते हैं, ठीक है। आप अपने फ्रंट कैमरा का भी यूज कैसे करते हैं, वीडियो कॉल करने के लिए करते हैं। तो वीडियो कॉल के टाइम पे आपका क्या होना चाहिए, इंटरनेट चालू होना चाहिए, यानी कि नेट आपका चलना चाहिए, ठीक है। बिना नेट का आपका वेब कैम किसी काम का नहीं रहता है, सिंपली आप इसमें फोटो क्लिक कर सकते हैं। लेकिन वेब कैम का सीधा मतलब है कि जब इंटरनेट की मदद से एक स्थान पर बैठे बैठे दूसरे स्थान के व्यक्ति से आप उसको देखकर बात करें, वहां पर काम करता है आपका वेब कैम, ठीक है। ये चीज याद रखेंगे, अदरवाइज आपके सिंपली जो याद रहना चाहिए यहाँ पर, तो कैमरा आप फोटो और वीडियो क्लिक करने के लिए जो यूज करते हैं वो आपका सिंपली क्या हो गया, कैमरा हो गया, ओके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। हाँ, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में, लेकिन इनपुट के फॉर्म में, ये नहीं कि यहाँ पर कंफ्यूज कर जाइए आउटपुट के रूप में। स्कैनर हमेशा इनपुट के रूप में कार्य करेगा, है ना। चलिए बताएं क्या होगा, द रेजुलेशन ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड इन, ठीक है। प्रिंटर का जो रेजुलेशन होता है वो मेजर किया जाता है मेगाबाइट में, ठीक है, हर्ट्ज, इसको HZ जो लिखा हुआ है इसे हर्ट्ज कहेंगे।
या डॉट्स पर इंच में या इंचेज में आपको बताना है कि किस में मेजर किया जाता है क्या एक प्रिंटर का रेजुलेशन। अब बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा रेजुलेशन होता क्या है, ठीक है। कितने लोगों को पता है रेजुलेशन क्या होता है? अगर पता है तो बताने की जरूरत नहीं है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन नहीं पता है तो बताना बनता है। कितने लोगों को पता है कमेंट कर देंगे, अगर पता है और पता है तो क्या होता है रेजुलेशन ये भी साथ में कमेंट कर देंगे, और नहीं पता है तो एक बार हाथ उठा दीजिए कि नहीं पता है सर। शानदार, डॉट्स पर इंच आ गया है, बहुत ही शानदार। अभिषेक को पता है क्या होता है रेजुलेशन, तो प्रिंटर का जो रेजुलेशन मेजर किया जाता है वो होता है डॉट्स पर इंच में, जिसे शॉर्ट में DPI कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे कि जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का प्रिंटर होता है वो 600 DPI का होता है, और ये 600 DPI का जो प्रिंटर है वो लेज़र प्रिंटर होता है, ठीक है। बेस्ट क्वालिटी का जो आपका प्रेजेंट टाइम में प्रिंटर है वो कौन सा है, तो आपका 600 DPI वाला लेज़र प्रिंटर सबसे बेस्ट क्वालिटी का प्रिंटर माना जाता है, ठीक है। चलिए, सभी को पता है, एक दो लोगों को छोड़कर। चंचल कुमारी, आप शायद पेड बैच के स्टूडेंट हैं तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा जब हम पढ़ाए हैं मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर वाली क्लास आप देख लीजिएगा, वहाँ पर डिटेल में बताए हैं, ठीक है, डॉट्स क्या होता है, पिक्सल क्या होता है, ठीक है, रेजुलेशन क्या होता है, ये सारा चीज़ आपको बताया हो उसमें। पिक्सल पिच क्या होता है, ठीक है, एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, ये सारा चीज़ आपको ऑलरेडी बैच में पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ पर आप लोग इसको देख लेंगे, पूरे डिटेल में इसके बारे में जिक्र किया है, ठीक है। चलिए, या फिर जिनको नहीं पता है तो उसके लिए अलग से एक शॉर्ट वीडियो, नहीं, यूट्यूब में वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है। आप सर्च करेंगे आउटपुट डिवाइस बाय दीपेश सर, ठीक है, यूट्यूब में आउटपुट डिवाइस बाय दीपेश सर सर्च कीजिएगा, आपके सामने में वो वीडियो आ जाएगा, डिटेल में सारी चीज़ों के बारे में आप समझ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर बताना चाहेंगे तो उसके लिए कम से कम हमें 10 से 15 मिनट का टाइम चाहिए, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, ओके। हाँ, यूट्यूब में बताया हुआ है, बस इतना सर्च कीजिएगा आउटपुट डिवाइस बाय दीपेश सर, और आउटपुट में भी आउटपुट डिवाइस मॉनिटर लिख दीजिएगा तो ज़्यादा आसानी होगा वो चीज़ सर्च करने में, यूट्यूब में पड़ा हुआ है ना। चलिए, पिक्सल क्या होता है, वही चीज़ आ गया, ठीक है। पिक्सल क्या होता है ये बताना है, तो सीधा सा समझिए, एक मिनट में एकदम शॉर्ट में यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। सबसे पहले आता है आपका डॉट्स, ठीक है। तो कोई फोटो वगैरह जब आप क्लिक करते हैं, देखिएगा जूम जब करते हैं तो वो फोटो फटता है, ठीक है। जब फटेगा देखिएगा छोटा छोटा बिंदु आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है। नोटिस कीजिएगा, कोई भी फोटो जब बहुत ज़्यादा जूम करेंगे तो क्या होता है, फट जाता है। तो फटने के बाद आपको देखिएगा छोटा छोटा बिंदु टाइप का दिखने लगता है, उसे कहा जाता है डॉट्स। तो जितने भी आपके पिक्चर होते हैं, जितने भी आपके फोटो होते हैं, वो सभी के सभी एक छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बने होते हैं। उन बिंदुओं के ग्रुप को, जो जिन बिंदुओं से मिलकर आपका फोटो बनता है, उसी को कहा जाता है पिक्सल, ठीक है। पिक्सल का पूरा नाम होता है पिक्चर एलिमेंट, पिक्चर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। और जब पूरे पिक्सल के ग्रुप को मिला देंगे तो इन पिक्सलों के ग्रुप को ही रेजुलेशन कहा जाता है। सीधा सा आसान भाषा में यहाँ पर समझ लीजिए, ठीक है। यानी कि छोटे छोटे डॉट बिंदु जिसे आप कहते हैं, ये बिंदु मिलकर बनते हैं पिक्सल, पिक्सलों के वजह से आपका फोटो बनता है, ठीक है। फोटो में जितना ज़्यादा पिक्सल, फोटो की क्वालिटी उतनी अच्छी देखने को मिलेगी, और इन पिक्सलों के ग्रुप को रेजुलेशन कहा जाता है, जिससे आपका वीडियो क्वालिटी अच्छा दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए क्या है, पिक्सल क्या है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ड्रॉ पिक्चर, ठीक है। एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है जो कि पिक्चर का निर्माण करता है, या अ पिक्चर स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी, या द स्मॉलेस्ट रिसॉल्वेबल पार्ट ऑफ अ पिक्चर, ठीक है। एक फोटो का सबसे छोटा इकाई है जिससे मिलकर आपका फोटो का निर्माण होता है, ओके। हाँ, जितना ज़्यादा आपका डॉट होगा पिक्चर, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए देखेंगे कि मोबाइल का जो खींचा हुआ फोटो होता है, जैसे कंप्यूटर में आप उसे डालेंगे, फोटो क्या होता है, फट जाता है, यानी कि उसमें पिक्सलों की संख्या क्या थी, कम थी, है ना। इन प्रिंटिंग व्हाट डज डीपीआई स्टैंड, डीपीआई का फुल फॉर्म बताना है। अभी जस्ट इसका हम लोग जिक्र किए हुए हैं कि 600 डीपीआई का सबसे बेस्ट प्रिंटर माना जाता है, तो बताइए इस डीपीआई का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। जल्दी से बताएंगे इसका फुल फॉर्म क्या होगा।
जो लोग लेट से जुड़े हैं उनके लिए एक विशेष जानकारी कि अभी कंप्यूटर का जो फी है कोर्स का वो 399 कर दिया गया है। ठीक है, आपका दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर, तो जिनको जिनको कोर्स परचेस करना हो एक से दो दिन में जल्दी से कर लेंगे, इतने से कम में आपका फिर नहीं हो पाएगा। फिर कुछ दिन के बाद फी बढ़ जाएगी तो आप लोग कहेंगे कि सर कंप्यूटर कोर्स में फ़ी कम कीजिए, तो मुश्किल हो जाएगी, है ना। तो जितने लोगों को परचेस करनी हो, चाहे आपका कोर्स वैलिडिटी ख़त्म हो गया था, उन लोगों के लिए विशेष कर ये ऑफ़र दिया गया है ना। खास करके ये ऑफ़र उनके लिए है जो पुराना कोर्स परचेस किए हुए थे, उसकी कोर्स वैलिडिटी ख़त्म हो गई है, वो क्लास देख नहीं पा रहे हैं। तो ये नई वाली जो क्लास है आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। उसमें थोड़ा बहुत कंटेंट जो है वो कम रह गया था, ठीक है। जो पुराना वीडियो था हिंदी मीडियम में जो चला था 6 महीने की वैलिडिटी वाली, उसमें कंटेंट थोड़े बहुत कम रह गए थे, तो इसमें वो सारी चीज़ों को फुलफिल कर दिया गया है। क्योंकि उस समय हम पढ़ा रहे थे तो केवल और केवल CGL को फोकस करके पढ़ा रहे थे, लेकिन ये एग्ज़ाम आपका JSSC CGL, ठीक है, उसके बाद इंटर लेवल के वाली जो क्लर्क वाली भर्ती है CKST वाली वो, उसके साथ साथ SSC CGL भी आपका जो है वो भी कवर हो जाएगा, साथ ही साथ FCI का जो वैकेंसी आपकी आई हुई है वो एग्ज़ाम्स भी इसमें कवर होने वाली है। तो ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपका एक क्लास एक कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपको, ठीक है, कम से कम जो वीडियो मिलेगी वो आपके 45 घंटे की होगी, ठीक है, 45 से 50 घंटे की टोटल वीडियो होगी इसमें, ठीक है, कंप्यूटर की। तो बताइए, आपको पता है कि इसे डॉट्स पर इंच के नाम से जाना जाता है, DPI का पूरा नाम होता है डॉट्स पर इंच, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, बताएंगे इस सवाल का जवाब क्या होगा। क्या है, प्रिंटिंग स्पीड ऑफ लेजर प्रिंटर इज मेजर्ड इन, ठीक है, लेजर प्रिंटर का जो प्रिंटिंग स्पीड होता है वो किस में मेजर किया जाता है, यूनिट क्या होती है इसकी, ये चीज आपको बतानी है, ठीक है। कल हालांकि इसका हम पूरा चार्ट ही बना दिए थे, एक बार फिर से बनाकर बता दे रहे हैं, ठीक है। ये सिंपल हो गया आपका एक प्रिंटर। इन सभी चीज़ों का जिक्र बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से सवाल आपके डायरेक्ट छपने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल, YouTube में MCQ पूरा करवा भी दिए हैं, ये मेरे हिसाब से तीसरा बार हम रिपीट कर रहे हैं MCQ सीरीज, है ना, चैप्टर वाइज जो है। हिंदी मीडियम में एक बार पूरा कंप्लीट करवा दिए थे, चैप्टर वाइज ही आपके प्लेलिस्ट बने हुए हैं, वो पूरा का पूरा कंप्लीट है, एक बार फिर से शुरू किए हुए थे। उसके अलावा प्रीवियस ईयर पूरा करवा दिए हैं आपका, और ये दूसरी बार आपका चल रहा है जो कि चैप्टर वाइज है, ठीक है। चलिए, तो आपका प्रिंटर की अगर बात करें तो प्रिंटर जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है इंपैक्ट प्रिंटर, दूसरा है आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है। इंपैक्ट वैसा जो अपना छाप छोड़े, पेपर में अपना छाप छोड़े, उसे कहते हैं इंपैक्ट प्रिंटर, और जो पेपर को बिना छुए हुए प्रिंट करे उसे कहते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है। अब ध्यान देंगे, इंपैक्ट प्रिंटर जो है यहां पर याद रखेंगे ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है कैरेक्टर, शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा लिखते चलते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर, और दूसरा होता है लाइन प्रिंटर, और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर आपका होता है एक प्रकार का पेज प्रिंटर, ठीक है। अगर कैरेक्टर यहां पर इंपैक्ट की बात करें तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है CPS, ठीक है, और इसका प्रिंट जो यूनिट होता है LPM, और इसका जो यूनिट होता है पेज प्रिंटर का या फिर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का, तो इसका होता है यहां पर PPM, ठीक है। पेज प्रिंटर में ही आपको देखने को मिलेगा लेजर प्रिंटर, इंकजेट, ठीक है, फोटो प्रिंटर, मल्टीपर्पज बहुत सारे आ जाते हैं। तो PPM का पूरा जो नाम होता है इसे कहा जाता है पेज पर मिनट, LPM होता है लाइन पर मिनट, ठीक है, और CPS होता है कैरेक्टर पर सेकेंड। तो एक याद रखेंगे, बाकी दो में आपका मिनट से काउंट किया जाता है यूनिट, और एक में इसका जो यूनिट मेजर किया जाता है वो सेकेंड में मेजर किया जाता है। तो यहां पर सही जवाब होगा, देखिए किसका पूछ रहा है, लेजर प्रिंटर, तो लेजर प्रिंटर आपका किस में आता है, नॉन इंपैक्ट यानी कि पेज प्रिंटर में, तो इसका यूनिट होगा पेज पर मिनट, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। लेकिन वहीं पर कैरेक्टर प्रिंटर का आपसे पूछता तो कैरेक्टर पर लाइन ना होकर यहां पर उसका कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, यहां पर कैरेक्टर पर सेकेंड अगर रहता तो ये आपका किसका हो जाता, कैरेक्टर प्रिंटर का हो जाएगा, ओके। बताएं इस सवाल का,
Why, which of the following printer is generally very noisy? ठीक है, निम्न में से कौन सा प्रिंटर है जो कि बहुत ज्यादा आवाज करता है प्रिंट करने के समय में? ठीक है, ये बताएंगे आप लोग, कौन सा प्रिंटर है जो कि प्रिंट के समय में, आप कभी अगर यहां पर पोस्ट ऑफिस गए हो, ठीक है, पोस्ट ऑफिस स्पीड पोस्ट करने के लिए, या फिर आप लोग रांची में रहे हो तो कभी आप लोग रिम्स का रिम्स में जाना होगा, तो वहां पर जो जांच वाला आप स्लिप कटाएंगे, ठीक है, उस समय देखेंगे तो वहां पर जो प्रिंट किया जाता है उस समय देखिएगा, प्रिंट के समय में मशीन बहुत आवाज करता है, ठीक है, तो वहां पर यूज किया जाता है आपका चाहे स्पीड पोस्ट वाला, और उसमें जो प्रिंट होता है जैसे यहाँ पोस्ट लिखे हैं तो आपका इस तरीके से पोस्ट लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपके डॉट्स मिल मिलकर वहां पर निर्माण करते हैं आपके कैरेक्टर की, ठीक है, तो इसलिए याद रखेंगे कि डॉट पर इंच जो आपका इसका इसमें होता है जिसे आप लोग DPI कहते हैं, तो DPI वाला जो आपका प्रिंटर है पुराना में जिसे शॉर्ट में DMP प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, शॉर्ट में इसे आप DMP यानी कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यानी कि ये बिंदुओं से मिलकर इमेज का निर्माण करती है, तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा नॉइजी होता है, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करता है, इसलिए इसे कोर्ट में आपका टाइपराइटर का यूज़ किया जाता है थोड़ा बहुत, है ना, यहाँ पर आप खास करके पोस्ट ऑफिस जो लोग नहीं गए होंगे पोस्ट ऑफिस में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है, वहाँ पर ये इसका यूज़ ज़्यादा किया जाता है। अब क्यों किया जाता है, तो इसके द्वारा जो प्रिंट किया इसका फ़ायदा भी है, समझिए क्या है, तो इसके मदद से जो भी प्रिंट किए जाते हैं उनकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है वो बहुत लंबे समय तक रहती है, वो जल्दी मिटती नहीं है। आप अपना जो मार्कशीट और एडमिट कार्ड देखेंगे, ठीक है, 10th 12th में जो आपको मिली होगी मार्कशीट एडमिट कार्ड वगैरह, या आपका जो रिजल्ट होगा, ये सभी भी आप देखेंगे वो डॉट डॉट से मिलकर ही बनते हैं, ठीक है, क्वालिटी अच्छी यूज़ की जाती है लेकिन वो भी इसी से मिलकर बनते हैं, इसलिए आपका जो मार्कशीट में छिपा हुआ कंटेंट होता है वो बहुत लंबे समय तक रहता है, ठीक है, अगर नुकसान है इसका आवाज़ करता है तो उसके फायदे भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो गया, ठीक है, चलिए, हाँ, जिसमें भी प्रिंटिंग लंबे समय तक रखनी हो उनमें इसी प्रिंटर का यूज़ किया जाता है। आप लेज़र प्रिंटर या फिर नॉर्मली आप इंकजेट प्रिंटर से प्रिंट किया हुआ में अगर थोड़ा सा भी पानी गिर गया तो आपका छपा हुआ कंटेंट उड़ जाता है, ठीक है, आप कॉपी वगैरह में देख लीजिएगा, थोड़ा सा भी जो आप जेरोक्स वगैरह करवाते हैं उसमें देखिएगा पानी वगैरह गिरता है तो आपका इंक क्या होता है, फैल जाता है वहाँ पर, तो वो सब इसके साथ समस्या नहीं होती है। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं हम लोग, टाइम को ज़्यादा ना लेते हुए, ना, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज फॉर्मेट ड्राइंग लाइक ग्राफ्स एंड कंस्ट्रक्शन ड्राइंग, ठीक है, बड़े बड़े प्रकार के इमेज को प्रिंट करने का काम इनमें से कौन सा करेगा, लेजर प्रिंटर, फ्लैट वेट प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है, यहाँ पर फंसाया गया है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा आपको फंसाया गया है, तो इसलिए इस सवाल का जवाब सोच समझकर अच्छे तरीके से आप लोग देंगे, ठीक है, क्या बात है, 37 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, तो एक बार और शेयर कर दीजिए, तो 50 तक का टारगेट आज लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है, और लाइक का बटन भी आप लोग जल्दी से बढ़ा देंगे एक बार, ध्यान से इस सवाल का जवाब, अरे वाह, उम्मीद नहीं था कि आप लोग इसका सही जवाब देंगे, लेकिन पुष्पा, रोनिशा और वीरा का बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, उसके अलावा रेनू का भी आ गया, मिथिलेश का गलत जवाब है। चलिए, यहां पर आपको फंसाने के लिए थोड़ा सा क्या कर दिए हम, फ्लैट बेड प्लॉटर के जगह में प्रिंटर लिख दिए, ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। फ्लैट बेड एक प्लॉटर का प्रकार है जो कि बड़े बड़े फ्लैक्स को या कंस्ट्रक्शन के जो भी आपके डिज़ाइन होते हैं उनको प्रिंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। बहुत ही शानदार, जितने लोगों ने सही जवाब दिया उन सभी को 21 तोपों की सलामी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्या है इस सवाल का जवाब आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कैटेगरी ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है, इनमें से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर का एक प्रकार नहीं होगा ये आपको बताना है, क्या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर या इंक जेट प्रिंटर, ठीक है, अब आपके लिए चार्ट बनाना पड़ता है। हाँ, क्लास में तो जिक्र सारा चीज का हुआ ही है, ठीक है, चलिए एक बार यहां पर जिक्र कर रहे हैं फिर से हम लोग, आप लोग यहां पर ऑप्शन देखकर ही जवाब देंगे, जिनको नहीं पता है, जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनका जवाब आ भी गया होगा, है ना,
तो प्रिंटर दो प्रकार का आपको बताएं, पहला होता है इंपैक्ट, दूसरा हो गया आपका नॉन इंपैक्ट। ठीक है, इंपैक्ट प्रिंटर दो प्रकार का, पहला हो गया आपका कैरेक्टर प्रिंटर, सिर्फ सी लिखते हैं कैरेक्टर प्रिंटर, और दूसरा हो गया आपका लाइन प्रिंटर, और नॉन इंपैक्ट क्या हो गया, एक प्रकार का पेज प्रिंटर। अब इसके प्रकार को समझिए, कैरेक्टर प्रिंटर जो है वो दो प्रकार के, ठीक है, कितने, दो प्रकार के, एक हो गया आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये चीज जल्दी याद नहीं रहता लोगों को, है ना, इसलिए बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, पहला हो गया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा हो गया डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, लाइन प्रिंटर आपका मेनली तीन प्रकार का याद रखेंगे, ठीक है, पहला हो गया चैन प्रिंटर, दूसरा हो गया ड्रम प्रिंटर, और तीसरा आपका होता है बैंड प्रिंटर। ठीक है, और पेज प्रिंटर में याद रखेंगे कौन कौन सा, तो लेजर प्रिंटर, दूसरा इंक जेट, मेनली ये दो सबसे इंपॉर्टेंट आपके आते हैं, उसके बाद फोटो प्रिंटर, ठीक है, उसके बाद आपका मल्टी फंक्शनल प्रिंटर भी यहां पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ओके, अब यहां ऑप्शन हिसाब से बताइए कि कौन सा आपका इंपैक्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा, यानी कि इस वाले सीरीज में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इंपैक्ट के अंदर में आपका कैरेक्टर वाला भी आ जाएगा, लाइन वाला भी आ जाएगा। तो यहां पर देखिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बिल्कुल है, यानी कि ये होगा, लाइन प्रिंटर इस पूरे को ही ले लिया, यहां पर देखिए इसको लिया है ना, लाइन प्रिंटर यानी कि लाइन प्रिंटर भी हमारा है। ड्रम प्रिंटर देखिए, ड्रम प्रिंटर कहां दिख रहा है, तो ड्रम प्रिंटर भी हमारा है, यानी कि ये इंपैक्ट में। और इंक जेट प्रिंटर आपका कहां पर है, तो ये नॉन इंपैक्ट की कैटेगरी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका इंपैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट जिनको लेना हो एक बार ले लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कैटेगरी ऑफ इंपैक्ट प्रिंटर। अब इसमें से बताना है कि कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में नहीं होगा। ठीक है, चेन प्रिंटर इंपैक्ट होगा या नहीं आप बताइए, ऑप्शन बी है लाइन प्रिंटर इंपैक्ट होगा या नहीं, बैंड प्रिंटर इंपैक्ट होगा या नहीं, या फोटो प्रिंटर आपका इंपैक्ट में आएगा या नहीं होगा, इस सवाल का क्या जवाब होगा ये बताएंगे आप लोग। ठीक है, जल्दी से बताएंगे इस सवाल का सही जवाब, अगर तीन चार लोगों का भी सही जवाब आ जाता है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। डी आ गया है ललन का, बहुत ही शानदार, मुस्कान का, सुनील का, जबरदस्त, क्या गजब का दिमाग है आप लोगों का, है ना, ऐसे ही बना के रखेंगे, बहुत ही शानदार, है ना, इतना प्रैक्टिस करेंगे कि जो चीज़ बाकी लोगों को टफ लगता है वो आपके दिमाग में छपा हुआ रहेगा एग्जाम के टाइम में, बहुत ही शानदार। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या है। लेजर प्रिंटर प्रिंट्स, ठीक है, लेजर प्रिंटर जो है वो प्रिंट करता है लाइन बाय लाइन या पिक्सल बाय पिक्सल या पेज बाय पेज या कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, आपको बताना है कि किसको प्रिंट करने का काम करता है हमारा लेजर प्रिंटर। ठीक है, इस सवाल का जवाब दें तो जाने कितने धुरंधर बैठे हैं, इस सवाल का सही जवाब दें तो माने कि आप हैं रियल में धुरंधर, है ना, उनको दुर्गा पूजा में एक लड्डू मेरे तरफ से फ्री। चलिए 71 का, 71, 72 का बताएंगे। चलिए सी आना चालू हुआ है, सी सी किन्हीं का ए भी दिख रहा है, चलिए चार पांच जवाब ऑलरेडी आ चुका है। अगर हम बात करें लाइन प्रिंटर की, ठीक है, लाइन प्रिंटर किसमें, तो इंपैक्ट की कैटेगरी में, तो लाइन प्रिंटर जो है वो लाइन बाय लाइन प्रिंट करेगा। ठीक है, इसका यूनिट है LPM, लाइन पर मिनट, उसके बाद पिक्सल बाय पिक्सल से प्रिंट नहीं होता है, उसके बाद पेज बाय पेज, तो PPM कहते हैं इसको। ठीक है, पेज पर मिनट यानी कि एक मिनट में कितना पेज वो प्रिंट कर रहा है, इसके अलावा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, तो ये आपका जो प्रिंट करता है वो CPS वाला यानी कि कैरेक्टर पर सेकेंड वाला, यानी कि कैरेक्टर प्रिंटर जो है वो प्रिंट करने का काम करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा,
अगर लेजर प्रिंटर की बात करें तो आपको जस्ट अभी जिक्र किए हैं कि ये 600 DPI का प्रिंटर होता है, और एक लेजर प्रिंटर जो है वो एक घंटे में, ठीक है याद रखेंगे, एक घंटे में 10,000 से लेकर 12,000 पेज को प्रिंट करने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, एक घंटे में कितना, तो लगभग ये 10 से 12,000 पेज प्रिंट करने की कैपेसिटी रखता है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चलिए डेजी व्हील प्रिंटर किसका प्रकार होगा, अब इस क्वेश्चन का जिक्र आप लोग खुद से करेंगे, डेजी व्हील प्रिंटर जो है वो कौन सा प्रिंटर होगा, अब इसका पूरा डायग्राम आपको हम बता दिए, कितना आपका दिमाग काम करता है ये बताइए, लेजर का भाग है, डॉट मैट्रिक्स का है, मैनुअल का है या इंपैक्ट का है, ठीक है ये बताइए, यहां पर लेजर नहीं लेजर है ना, या डॉट मैट्रिक्स का है, बताइए क्या होगा सही जवाब मेरे धुरंधर, सभी धुरंधर लोग जल्दी जल्दी बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब, बहुत ही शानदार, क्या गजब का दिमाग है आप लोग का, है ना, डेजी व्हील आपका किसका है, इंपैक्ट का, और डेजी व्हील इंपैक्ट में भी किसका है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि ये आपका कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत में आएगा, है ना, इसमें कितना भी अंदर से आकर आपसे पूछ ले ये क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। ओके, और जो लोग लाइक का बटन नहीं दबाए हैं जल्दी से एक बार प्रेस कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू कैंसल द प्रिंट जॉब्स विच आर इन क्यू इन विंडोज, ठीक है विंडो में क्यू में पड़े प्रिंट कार्यों को आप कैसे रद्द कर सकते हैं, ठीक है यानी कि आपने प्रिंट का ऑप्शन दे दिया है लेकिन उसके बाद आप चाहते हैं कि वो चीज प्रिंट ना हो, उसको कैंसिल करना हो, तब आप क्या ऑप्शन चूज करेंगे, अगर जिनको कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है तो वो क्या करेंगे, द प्रिंटर मस्ट बी रीस्टार्ट, वो प्रिंटर को बंद करेंगे और फिर से उसको चालू करेंगे, ठीक है जिनको नहीं पता है, या फिर डिस्कनेक्ट द प्रिंटर केबल, जिनको नहीं पता है जो अज्ञानी है वो क्या करेंगे, तार को ही निकाल देंगे प्रिंटर वाले को, ठीक है ये दो ऑप्शन उनके लिए जिनको प्रिंटर और कंप्यूटर के बारे में जानकारी बहुत अच्छे से नहीं है, तो अब दो ऑप्शन आपके पास है, आप कौन सा टिक करेंगे, चलिए बताएंगे क्या, अच्छा पानी डालने के, बढ़िया तो ध्यान से समझिएगा, है ना, जब अगर आपको बीच में से कोई भी ऑप्शन को कैंसिल करना हो, प्रिंट नहीं करना हो, तब क्या करेंगे, तो आप प्रिंट वाले सेक्शन में डबल क्लिक करेंगे, ठीक है प्रिंट वाला जो आइकन है उसमें क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और यहां पर प्रिंट जॉब में क्लिक करके कैंसल वाले सेक्शन में जाकर राइट क्लिक करके वहां पर कैंसल को सेलेक्ट कर देंगे, आपका जो क्यू वाला ऑप्शन होगा यहां पर जिसको आप प्रिंट नहीं करना चाहते हैं वो आपका ऑटोमेटिक कैंसल हो जाएगा, ठीक है ये चीज याद रखेंगे। एक नया क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे, है ना, चलिए ले लिए होंगे, बताइए विच डिवाइस इज यूजुअली नॉट कनेक्टेड टू द यूपीएस डायरेक्टली बिकॉज ऑफ हाई पावर कंजप्शन, उच्च बिजली खपत के कारण आमतौर पर कौन सा उपकरण यूपीएस से सीधे जोड़ा नहीं जाता है, कौन बताएंगे यूपीएस का फुल फॉर्म, यूनियन पब्लिक सर्विस मत करने लगिएगा, एक बैटरी होता है कंप्यूटर में कनेक्ट होने वाला उसका पूरा नाम बताइए क्या होता है, चलिए जल्दी जल्दी बताएंगे, तो याद रखेंगे कि इसमें जो है यूपीएस जो होता है वो कंप्यूटर को थोड़े समय के लिए, ठीक है यानी कि लाइट जाने के बाद में थोड़े समय के लिए ये बैटरी कंजम्पशन करके रखती है, ताकि आपका कंप्यूटर आप जो जरूरी काम कर रहे हैं उसको यहाँ पर उस काम को होने के लिए अपना आप काम को ख़त्म कर लें, उसके बाद आपका कंप्यूटर बंद हो सके, है ना, तो थोड़े समय के लिए यानी कम पावर, तो KVM स्विच छोटा सा स्विच होता है उसको आप कर सकते हैं, छोटा सा माउस से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कैमरा आप इसमें यूज़ करते हैं, लेकिन लेज़र प्रिंटर अगर आप इसमें कनेक्ट करेंगे तो ये बहुत बड़ा मशीन हो जाता है, ये इसको संभाल नहीं पाएगा, बहुत ही शानदार आप लोगों का सही जवाब आ चुका है, जिसमें से कौन कौन है, बीरा बहुत ही बढ़िया, धनंजय, मुस्कान, कुदमली, बहुत ही शानदार,
बताएंगे इस सवाल का जवाब क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है। और ये क्वेश्चन आपका जेपीएससी के 2016 में पूछा हुआ है, ठीक है। कब? जेपीएससी 2016 में 5 कंप्यूटर क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें से एक सवाल ये भी पूछा गया था, है ना। तो बताएंगे इसमें से कौन सा है जो कि आपका एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, यानी आउटपुट डिवाइस नहीं है कहने का मतलब है कि वो इनपुट डिवाइस हो सकता है या इनपुट डिवाइस नहीं भी हो सकता है। इसमें से बताइए कि कौन कौन आपको पता है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, मॉनिटर आपको बहुत अच्छे से पता चल गया है, प्रिंटर आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, प्लॉटर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर ये क्या है, एक प्रकार से स्क्रीन ही है जिसको कि हम टच कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये लिखने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इनपुट कर रहे हैं ना, सिग्नल दे रहे हैं जो भी देना हो, तो यहाँ पर हम इसको सिग्नल देने का काम कर रहे हैं, यानी कि टच स्क्रीन हमारा एक प्रकार का क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। लेकिन यहीं पर आपको हम केवल स्क्रीन बोलते हैं जिसमें आप मूवी वगैरह वीडियो वगैरह देख रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का इनपुट नहीं कर रहे हैं, तब वो स्क्रीन जो है आपका वो आपका क्या कहलाएगा, आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। लेकिन जहां शब्द टच जुड़ जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो आपका ये इनपुट हो जाएगा, ठीक है। ये छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं ना। बताइए इस सवाल का जवाब क्या होगा। In which among the following do we measure the resolution of a printer? इनमें से किससे हम एक प्रिंटर के संकल्प को मापते हैं। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा हम लोग टाइम देंगे नहीं, ठीक है। प्रिंटर का रेजुलेशन हम लोग DPI में मापते हैं, डॉट्स पर इंच में मापते हैं, तो इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा टाइम देकर समय बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। Which type of printers uses light to produce the dots needed to form the character to be printed on a page? ठीक है, किस प्रकार का प्रिंटर किसी पृष्ठ पर मुद्रित किए जाने वाले अक्षर बनाने के लिए आवश्यक डॉट्स के निर्माण के लिए प्रकाश का यूज करता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए शब्द दिया हुआ है प्रकाश, यानी लाइट का यूज करता है। इसमें से आपको बताना है कि लाइट का यूज करने वाला कौन सा होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है, इस सवाल के क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा हुआ है, लाम है लाइट का यूज करने वाला, ठीक है। इस एक छोटे से शब्द से ही आपका पूरे सवाल का जवाब यहां पर छप जाता, ठीक है। लेकिन अगर ये लाइट शब्द नहीं दिया हुआ रहता और डॉट का यूज किया जाता है, डॉट के यूज से प्रिंट करने वाला, तब आपका जवाब यहां पर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता। लेकिन यहां पर शब्द जोड़ दिया गया है लाइट का यूज करके, तब आपका जवाब हो जाएगा लेजर प्रिंटर। बहुत ही शानदार जवाब आ चुका है आप लोग का, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। बताएंगे, अच्छा ये क्वेश्चन लग रहा है, अच्छा 79 के नीचे में क्वेश्चन पढ़ लेंगे, है ना, उसके बाद आगे में इसका थोड़ा सा इस पेज में आ गया है। लाइन प्रिंटर एक मिनट में कितने लाइन छापता है, ठीक है। जो लाइन प्रिंटर है आपका, लाइन प्रिंटर में कितना आपको बताएं, तो चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और बैंड प्रिंटर, ये लाइन प्रिंटर जो है वो एक मिनट में कितने लाइन को छापने का काम करता है। ये रहे उसके ऑप्शंस, 100 से 200 लाइन, 5 से 50 लाइन, 5 से 100 लाइन या 200 से 2000 लाइन, ठीक है। तो रेंज इसमें कोई फिक्स नहीं है, ध्यान रखेंगे। रेंज जो इसमें होता है वो याद रखेंगे 150 से लेकर 2500 लाइन आपको देखने को मिलेगा। इसके बीच में जो भी आपके ऑप्शंस होंगे उसमें आप टिक करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर डी जो है 200 टू 2000 लाइन, ये आपका इसमें सही जवाब होगा, ठीक है। लीजिए आज का आखिरी सवाल, बताएंगे क्या है, What does VGA? ठीक है, इसका जिक्र हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, VGA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इस सवाल का जवाब आप देंगे कि VGA को क्या कहते हैं। जो लोग लेट से जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए फिर से बता दें कि 399 में आप कंप्लीट कंप्यूटर का कोर्स कर सकते हैं किरण एकेडमी ऐप पर। ऐप आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, प्ले स्टोर से, या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है तो लिंक से जाकर भी आप वहाँ पर करेंगे। उसके बाद स्टोर के सेक्शन में जाकर आप कंप्यूटर का कोर्स परचेज करेंगे, अभी मात्र आपको कितना, तो 399, यानी कि बहुत ही कम रेट में एक साल की वैलिडिटी के साथ आपको ये कोर्स मिल रही है, ठीक है। क्लास आपकी बाइलिंगुअल होती है, जो लोग क्लास किए हुए हैं उनको ऑलरेडी पता है, ठीक है, तो इसलिए परेशान नहीं होना है।
आराम से ये सारा का सारा चीज़ आपका जेएसएससी हो, आपका एसएससी सीजीएल हो या एफसीआई का एग्ज़ाम हो, उसमें कंप्यूटर का आपका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। हाँ, एकदम उठपटांग क्वेश्चन पूछ दिया गया तो वो किसी से नहीं बनेगा, तो वैसे क्वेश्चन में परेशान भी आपको नहीं होने, लेकिन जो बेसिक आपका सिलेबस में है उससे सवाल आपका बिल्कुल भी नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो वीजीए को कहा जाता है वीडियो ग्राफिक्स एरे, ठीक है। तो देखिए किस में देखने को मिल रहा है, यहाँ पर वेक्टर है, यहाँ पर वीडियो है, ग्राफिक्स भी है लेकिन एसोसिएशन है, ठीक है। वेक्टर हो गया, नहीं देखेंगे, वीडियो ग्राफिक्स एरे ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आपका सही जवाब हो गया। कल जो आपकी सीरीज चलेगी वो होगी मेमोरी की, ठीक है, और मेमोरी का सीरीज बहुत लंबा होता है, तो कम से कम इसमें हम कोशिश करेंगे कि तीन से चार क्लास में, ठीक है, तीन से चार क्लास में मेमोरी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट कर दें, ठीक है। तो कितने लोग कल जुड़ने के लिए तैयार हैं मेमोरी वाले सेशन में, ठीक शाम 7:30 बजे एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, जल्दी से बताएंगे कि कितने लोग तैयार रहेंगे कल के सेशन में। चलिए तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में ठीक शाम 7:30 बजे एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। अपनी दुर्गा पूजा को और शानदार बनाते हैं ताकि अगले साल का जो दुर्गा पूजा हो वो आप अपने, ठीक है, एक सरकारी जॉब के साथ बैठकर करें, ठीक है, ताकि मज़ा भी आएगा पूजा देखने में भी, घूमने में भी और किसी को बताने में भी, ठीक है। तो प्रॉमिस कीजिए कि अगले साल का जो दुर्गा पूजा होगा, ठीक है, अगले साल का जो आपका दुर्गा पूजा होगा वो आप एक ऑफिसर के रूप में देखेंगे, ठीक है, यानी कि अगले साल का जो पूजा हो उसमें आप एक ऑफिसर के रूप में जाने जाएं, आपके नाम के आगे एक पदाधिकारी का नाम लगना चाहिए। इसी के साथ मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, शुभ रात्रि, जय हिंद।